मित्रों और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के लिए माता स्कंद माता, माता कात्यायनी और माता कालरात्रि की जो कहानी है वो लेकर प्रस्तुत हूँ। साथ ही साथ नवरात्रि में अभी बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन आ रहा है, उसका भी मैं निवारण करने जाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं माता स्कंद माता की कथा। तो आप सभी को पता ही है कि जो भगवान शिव हैं, उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है भगवान कार्तिकेय, भगवान स्कंद, भगवान मुर्गन, उनके भी बहुत अलग अलग नाम है। तो दोस्तों, भगवान स्कंद जी जो हैं वो देवों की सेना के प्रमुख हैं, सेनापति हैं, इतना हम सभी लोगों को पता है। तो वह माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए ही माता पार्वती के उस रूप को जिसमें वह स्कंद जी की माता है, उस रूप को ही माता स्कंद माता कहा गया है। और माता की अगर आप चित्र देखेंगे इस रूप में, तो हमेशा एक छोटे से प्यारे से स्कंद भगवान हमेशा उनकी गोद में बैठे रहते हैं। तो मित्रों, अब जो अगली देवी है वो है देवी कात्यायनी। तो देवी कात्यायनी की पहली कथा कुछ ऐसी है कि ऋषि कात्यायन जो थे वह देवी के बहुत बड़े उपासक थे और वो चाहते थे कि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसके लिए देवी की घोर तपस्या भी उन्होंने की और आखिरकार देवी ने उनके घर जन्म भी लिया पुत्री रूप में। और क्योंकि वह ऋषि कात्यायन की पुत्री हुई, इसलिए उनका नाम माता कात्यायनी पड़ गया। जो अगली माता कात्यायनी की कथा है वह है कि जब असुरों का अत्याचार धरती पर बहुत ही बढ़ने लगा, तब त्रिदेवों ने एक शक्ति का निर्माण किया और उस शक्ति को सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने पूजा, इसलिए ही उनका नाम माता कात्यायनी पड़ गया। और दोस्तों, अब आ जाते हैं माता कालरात्रि की कथा पर। अब माता ने यह रूप उन्होंने रक्त बीज दानव का संहार करने के लिए लिया था। और रक्त बीज दानव बड़ा ही विचित्र था, उसका आप जितनी भी बार गला काटेंगे और उसका रक्त जैसे ही एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, उस एक बूंद से एक पूरा रक्त बीज खड़ा हो जाता था। तो इसलिए ही माता ने इस रूप में रक्त बीज का मस्तक काटा और उसका जितना भी रक्त था उसको धरती पर गिरने से बचाया और एक कटोरे में रख दिया। उनके चित्र में एक कटोरा आप बिल्कुल देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी रूप को माता कालरात्रि कहा जाता है। माता कालरात्रि एक गधे पर सवार रहती हैं और सबके लिए बहुत ही शुभ फल हमेशा माता लाती हैं। तो दोस्तों, ये थी माता स्कंद माता, माता कात्यायनी और माता कालरात्रि की कथा। दोस्तों, अभी बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि नवरात्रि में बहुत लोग अष्टमी भी पूजते हैं और नवमी भी पूजते हैं। अष्टमी और नवमी सबके घर अलग अलग होता है, मैं खुद अष्टमी पूजता हूँ। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अष्टमी आज है या अष्टमी कल है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अष्टमी वैसे शुरू तो आज से ही हो रही है, लेकिन कल मैं उसको कल पूजूंगा, क्योंकि कल भी अष्टमी ही रहेगी और कल नवमी भी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, और ऐसा बहुत कम समय होता है कि जब अष्टमी और नवमी एक साथ आती हैं, ये बहुत ही शुभ संकेत है मित्रों। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल भारत में अष्टमी और नवमी ही पूछते हैं, तो ये कन्फ्यूजन ना कुछ लोगों के दिमाग में राइज हो रहा था। मैंने देखा तो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कल मैं माता महागौरी की कथा लेकर आऊंगा। और दोस्तों, फिर से एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।